नमस्कार दोस्तों, आज के दिन में हम सभी के पास एक स्मार्टफोन तो है ही, किसी किसी के पास तो एक से ज़्यादा भी है। 2-3 स्मार्टफोन हम कैरी करते हैं कभी कभी। अब ये स्मार्टफोन्स में हम क्या क्या काम करते हैं, इसमें फ़ोन तो करते ही हैं, मैसेज तो करते ही हैं, साथ में हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउज करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं वगैरह वगैरह। अपने स्मार्टफोन के हेल्प के साथ कहीं भी हम मूवीज़ देख सकते हैं, चाहे हम घर में हो या फिर रास्ते में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, हमारा स्मार्टफोन का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। अभी आपके पास शायद 16 GB का कार्ड होगा या 32 GB का कार्ड होगा या 64 GB का मेमोरी कार्ड होगा, उससे ज़्यादा तो ऑन एन एवरेज हम यूज़ नहीं करते, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ नहीं आते हैं। तो और भी चीज़ें होते हैं हमारे फ़ोन्स में, जैसे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, तो उसके लिए स्पेस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए आप आपके घर में हैं और आपके कंप्यूटर में बहुत सारे मूवीज़ हैं, जो कि सारा का सारा आप तो अपने फ़ोन में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके कंप्यूटर से आप जो मूवीज़ हैं उसको स्ट्रीम कर सकें अपने मोबाइल में बिना कॉपी किए, तो कैसा होगा, है ना, एक अच्छा आइडिया। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, और चलिए हम देखते हैं इसको कैसे पॉसिबल करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल टेक समाचार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो है आपका फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को एक नेटवर्क में होना ज़रूरी है, यानी कि एक वाईफाई नेटवर्क में होना ज़रूरी है। अब उस वाईफाई नेटवर्क में इंटरनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके लिए इंटरनेट का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को एक वाईफाई नेटवर्क में होना तो ज़रूरी है। तो पहले आपको दिखा देते हैं मेरे फ़ोन में, ये देखिए मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है मेलन, उसमें मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, ठीक है। और आपको मेरा कंप्यूटर भी दिखा देते हैं, ये देखिए सेम नेटवर्क में मेरा फ़ोन और कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है। बस यही पहला रिक्वायरमेंट है। अभी आपको फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में और एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ES फाइल एक्सप्लोरर, बहुत ही फेमस ऐप है, शायद ये ऐप आपके फ़ोन में ऑलरेडी हो, तो इसमें क्लिक कर दीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हालांकि एक अपडेट आया है तो मैं इसे बाद में कर लूँगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ठीक है, अभी फ़ोन का काम फ़िलहाल हो गया है। अभी आपका कंप्यूटर में जाइए और आप जो वीडियो या फिर मूवी जो कि शेयर करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रीम करना चाहते हैं आपके मोबाइल में, उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने एक वीडियो जो है, एक मूवी बेसिकली मेरे पर्सनल फोल्डर में डाला है, ये देखिए ये मूवी जो है वो मेरा पर्सनल वीडियोस फोल्डर में है। तो सबसे पहले आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, इसमें राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, शेयरिंग ऑप्शन में जाइए, एडवांस शेयरिंग में जाइए, शेयर दिस फोल्डर करिए, शेयर नेम जो है वही सेम रखिए जो कि आपका फोल्डर का नाम है वीडियोस, ठीक है। और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, लिमिट द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स टू, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 20 आ रहा है, यानी कि 20 सिस्टम या फिर 20 यूज़र्स ये फोल्डर को, जो शेयर्ड फोल्डर है उसको पैरेलली एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, अभी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अभी ये फोल्डर जो है ओके शेयर्ड हो गया। चलिए अभी मोबाइल में चलते हैं, ये अभी जो ES फाइल एक्सप्लोरर है जिसको आपने इंस्टॉल किया है थोड़ी देर पहले, उसको ओपन करना है, ये आ गया।
और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और लैन ऑप्शन में जाइए इधर। इसके बाद आपको स्कैन में क्लिक करना पड़ेगा। तो ये स्कैनिंग बेसिकली क्या करता है, आपका नेटवर्क में कोई और यूज़र या फिर कोई और डिवाइस को ढूंढता है। ठीक है, ठीक है, अभी लेनोवो में क्लिक कीजिए। ये जो लेनोवो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली मेरा लैपटॉप है। इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपका लैपटॉप का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो मुझे देना पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है, आप देखिए सारा का सारा शेयर्ड फोल्डर्स उस लैपटॉप में जो भी शेयर्ड फोल्डर्स हैं सारे यहाँ पे आ गए। तो आपको याद होगा ये वीडियोस फोल्डर मैंने शेयर किया था, वही यहाँ पे देखिए ये वीडियोस फोल्डर अपीयर कर रहा है। इसको खोल लेते हैं। अभी देखिए इसमें एक मूवी है, यही सेम मूवी है यहाँ पे। तो अभी इसको हम चलाते हैं मोबाइल से। अब प्लेयर चूज़ कर लीजिए कौन सा प्लेयर से आपको चलाना है। तो बेसिकली आप अपने लैपटॉप से ये मूवी या फोन में स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़। ओके, थैंक यू।